नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैरिटल सीरीज़ वीडियो नंबर 11। इससे पहले 10 वीडियोस बन चुके हैं सीरीज़ में मैरिज के टॉपिक के ऊपर, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। पर इस वाले वीडियो को मैं बोलूँगा आप मैक्सिमम लोगों को भेजना, जैसे व्हाट्सएप पे वो मैसेज आते हैं ना, 20 लोगों को भेजना, कृपा होगी, समाज की कृपा होगी, अपने फैमिली ग्रुप्स पे भेजना। वीडियो के शुरू में मैं कभी इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता, पर ये टॉपिक ऐसा है और ऐसे टॉपिक कोई चर्चा में लाता नहीं है। इंडिया नीड्स टू डू द चर्चा। द टॉपिक इज़ कितने बच्चे करने चाहिए। हम जो 50-60 साल के हैं उनका तो हो गया, लेकिन उनके बच्चों को भेजना है। उस एज ग्रुप में जो लोग हैं, हमारे 25 से 40 के बीच में जो लोग हैं, उनको आपको भेजना है ये कि कितने बच्चे होने चाहिए। ये टॉपिक पे मेरे को काफ़ी दिन से सवाल आ रहे थे, बट ट्रिगर ये हुआ है कि जो एक नया सर्वे आया है पॉपुलेशन का इंडिया का, वो ये कह रहा है इंडिया की पॉपुलेशन घट रही है। रिप्लेसमेंट रेट इज़ 2.1, अब उससे कम की तरफ इंडिया जा रहा है। तो कोई लोग तो बहुत खुश होंगे कि चलो फाइनली अब यहाँ भी पॉपुलेशन काबू में आई। तो मैं अलग पर्सपेक्टिव इस पे देना चाहता हूँ। ऑडियंस, मैं मिडिल क्लास को पकड़ के चल रहा हूँ, एंड आपको मैं ये बताऊँगा कि आज के दिन एज ए मैरिटल काउंसलर, एज वॉट एवर अदर स्टफ विच आई डू, आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ कपल्स, शायद बच्चे नहीं कर रहे हैं, दो तो बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं एक के भी लाले हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर एक करने की तरफ ही जा रहे हैं। उसके कारणों पे हम रीजंस जो बताए जाते हैं और एक्चुअल हैं उस पे हम बात करेंगे, और फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको दो बच्चे क्यों करने चाहिए। मैं पहले ही रिजल्ट बता रहा हूं कि आपको दो बच्चे करने चाहिए, पर हम एक क्यों कर रहे हैं उसके क्या तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क तो ये दिया जाता है, जी वी विल प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू ओनली वन एंड वी कैन ओनली प्रोवाइड टू वन, सो वी विल हैव वन, हम एक पे ही अच्छा सा करेंगे एंड वी, जी ये बकवास अंग्रेजी है। स्कूल वालों ने फीस बढ़ा रखी है, गुड एजुकेशन कुछ है ही नहीं इंडिया में, कुछ भी कहीं कोई गुड एजुकेशन नहीं है। ये स्कूल तामझाम ऐसे हैं, इनने अपने फीसें बढ़ा रखी हैं, एसी लगा दिया, कुछ और तामझाम कर दिए, 50 तरह से पैसे लूटने खसोटने के जरिए बना रखे। ये कारण हो रहा है आपको दूसरा बच्चा ना करने के लिए। उसका खामियाजा सोसाइटी को क्या भुगतना पड़ेगा, आपको आइडिया है उस चीज़ का? बहुत लोग बोलेंगे तो पर्सनल चॉइस है, नहीं जी ये पर्सनल चॉइस नहीं, मैं बताऊँगा। पर्सनल चॉइस का खामियाजा फिर पर्सनल को ही भुगतना पड़ता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा जब दो करने हैं क्या वो है, आप जुड़े रहिएगा। तो ये रीज़न नहीं हो सकता। गरीब लोग जो अल्ट्रा गरीब हैं वो 6-6, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं वो तो गरीब हैं, फिर वो कैसे पल रहे हैं, फिर वो ऐसे बन जाते हैं वैसे बन जाते हैं, वो क्लास डिफरेंस की बात है। आप अपना एक बच्चा पैदा करो, उसको अच्छी एजुकेशन दो और फिर वो विदेश चला जाएगा, वो इंडिया में भी नहीं रहेगा। तो इंडिया में कौन रह जाएंगे, सारे ही रह जाएंगे बाकी वाले। फिर बोलोगे इंडिया का GDP ग्रो नहीं करता, इंडिया लोअर इनकम कंट्री नहीं बनता, इंडिया की ग्रोथ नहीं होती, इंडिया अच्छा ही नहीं है, चलो छोड़ो बाहर चलो। बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है ये। दो की जगह एक करो, एक को सो कॉल्ड अच्छी एजुकेशन दो और उसको एजुकेशन देके अमेरिका भेज दो या वो खुद ही चला जाए। तो ये एक, ये तर्क बहुत बड़ा नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि पहला बच्चा होने में इतना रोना धोना और वो हो जाता है कि मतलब जो लड़कियां हैं लेट शादी कर रही हैं, शादी से पहले एंड इवन शादी के बाद भी बहुत सेफ वो होता है, कंसेप्शन वाले जो ड्रग्स होते हैं उनका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, जिससे बॉडी पे टोल आता है। वो आपके नॉर्मल सिस्टम को ही इतना इफ़ेक्ट कर देता है कि प्रेगनेंसी इश्यूज़ एंड प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और लेट बच्चा पैदा करना, अपने में जो भी आप डॉक्टर्स होंगे वो भी जानते हैं, लेट शादी लेट बच्चा करना फिर तो एक ही हो पाता है, ये भी एक फैक्ट है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो सास है और जो माँ है उसका सपोर्ट सिस्टम अब उतना नहीं रहा जितना पहले होता था। स्पेशली अगर लड़की नौकरी करना चाहती हैं, जो आज के दिन सब करना चाहती हैं, तो वो किसी तरह एक तो हो जाता है उनका, ठीक है, फिर उसको संभालने पालने, हाथ पैर जोड़ते हैं अपनी सास के अपनी माँ के कि आ जा निभा दे हमारा कर दे, उसमें इतने एग्जास्परेट हो जाता है कपल कि दूसरे को तो ड्रॉप ही कर देता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। चौथा रीज़न मैं बताऊँगा जो समाज की सच्चाई है, ठीक है, सुनने में थोड़ी सी वो करेगी लेकिन फैक्ट ये, पहला लड़का हो जाए ना तो फिर दूसरा करने की लोग करते नहीं, क्योंकि लड़का होना आज के दिन भी अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2021 में इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसको पास समझा जाता है कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए। लड़की पहली हो जाए एंड बहुत ही
मतलब डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोल रहा हूँ मैं ये बात। एंड लड़की पहली हो जाए तो हो, पेपर में फेल हो गए तो एक बार अटेम्प्ट और कर सकते हैं। एंड जब आपकी पहली बेटी हो जाती है तो जो दादी है और जो नानी है वो जाग जाती हैं कि चल भाई इनके छोरी हुई है पहली, अब दूसरे के लिए हम शायद सपोर्ट करने के लिए उनका पुश आता है। क्या इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये बात आपको बहुत बुरी लग गई? क्या इससे आप हिल गए, विचलित हो गए? समाज को ही एड्रेस कर रहा हूँ, क्या इस बात में दम नहीं है? क्या ये सच नहीं है? मेरे को तो क्लियर कट सच दिखता क्या? मैं तो देखता हूँ, लोग आते हैं मिलते हैं, मैं तो अलग अलग इनमें करता हूँ, पर फैक्ट यही है कि लड़का हो गया तो अब पास हो गया। तो ये कुछ रीज़न थे, कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न नहीं। अब मैं ये बताऊँगा कि दो बच्चे क्यों करने चाहिए। चाइना का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 30 साल तक उनका चला ये वन चाइल्ड पॉलिसी, 30 से ज़्यादा। वहाँ मामा, मासा, फूफा, फूफी, चाचा, ताई, ये रिश्ते ही नहीं है क्योंकि एक ही है वो, एक ही बेटा है, उसने एक ही बेटी वाली से शादी कर ली। अब ये रिश्ते हैं ही नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं इन रिश्तों में भी क्या रखा है टाइप्स करके, जी फर्क पड़ता है इकोसिस्टम का कुछ। ये एक भी रिश्ता नहीं होना सोचो ना आपका। आप इंडिया में देखो, हमारे बुआ है, मामा है, मासा है, मासी है, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, और ये सब रिश्ते हैं। तो वो एक ये रीज़न है। दूसरा जी, रिप्लेसमेंट रेट इज़ 2.1। अगर दो भी करोगे तो पॉपुलेशन विल कीप डिक्रीजिंग। मैं तो दो करने को ही बोल रहा हूँ। अगर सब लोग दो करेंगे तो भी पॉपुलेशन विल डिक्रीज, क्योंकि आप हस्बैंड एंड वाइफ दो जने हो, आपने अपनी रिप्लेसमेंट दो छोड़ दी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, यू अंडरस्टैंड द मैथ एंड अदर थिंग्स। 2.1 इज कंसिडर्ड एज ए रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, 2 में भी कम होंगे तो जनसंख्या कम होगी तो इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो मिलेगा ही नहीं, एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस और हो जाएंगे। 2035 में हमारी इंडिया की ओल्ड पॉपुलेशन बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ये 12-13 साल में अगर बच्चों ने अपना अच्छा काम नहीं किया जो हम सोच रहे थे कि बहुत अगर अच्छा करेंगे तो कंट्री भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड इन्श्योर दैट एटलीस्ट यू डू 2 किड्स, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट द किड ऑल्सो। जो आपने एक पैदा किया है उसको भी दूसरा बच्चा चाहिए, भाई बहन चाहिए, सहारा चाहिए, अपना एज ग्रुप का 2-4-5 साल छोटा, 6 साल 7 साल 8 साल भी छोटा। जो लोगों की बस निकल चुकी है सो कॉल्ड की बच्चा 5 का हो गया, अब किया ही नहीं, अब तो बहुत छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, 8-9-10 साल छोटा भी कर लो, पहले कितना फ़र्क हुआ करता आप लोगों को पता है। वो हमेशा उसका सिबलिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अब आने वाले टाइम में जिस तरह की मैरिज की अनस्टेबिलिटी हो रही है, उस तरह अगर अपना ओरिजिनल खून का कोई मिल जाए सिबलिंग तो दर्द शेयर किया जा सकता है, क्योंकि आप जो पेरेंट्स हैं नहीं रहना आपने हमेशा इस जीवन में, उसके आपके जाने के बाद उसकी ओरिजिनल फैमिली का कोई इंसान हो जिसके साथ वो अपना बचपना शेयर कर सके, क्योंकि बचपना जिसका शेयर्ड है वो बॉन्ड नहीं तोड़े जा सकते एक कॉमन बचपना के। क्योंकि अगर वाइफ चेंज हो सकती है, हस्बैंड चेंज हो सकता है, कई शादियां हो सकती हैं, डाइवोर्स हो सकते हैं, लेकिन भाई बहन में, भाई भाई में, बहन बहन में कोई रिश्ता टूट ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है ऐसा। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। फिर एक चीज़ को आगे चलते हैं, मैं यहाँ इस बात की नहीं करूँगा कि एक है तो सेवा करेगा, एक दो करेगा सेवा, 5-5 भी हमने बागवान पिक्चर में देखा था, 4-4 भी पैदा कर लो तो वो भी बदतमीज हो सकते हैं। बट प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी पे हम ये देखते हैं कि भाई जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए हैं ऐसे ही शायद हमारे बच्चे होंगे, या 19 का 20 या 20 का 19 होगा। तो अगर दो बच्चे हैं तो पेरेंट्स की जो भी डिमांड आएंगी हेल्थ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो बिटवीन सिबलिंग्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी आदमी अपने 40s में है, 50s में है, लेट 30s में है, वो अपनी लाइफ से वैसे ही जूझ रहा है। आप देख लो जितना ऑडियंस है इस उम्र में, अपनी लाइफ से जूझ रहे हो, नौकरी से जूझ रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, बीवी को पाल बीवी भी आपको कंट्रीब्यूट कर रही है हर चीज़ में, तो आपस में वो चल ही रहा है किसी तरह खींचतान के। ऊपर से आपकी एक तरह से जवानी भी जाती जा रही है, अपने अरमान भी भुज रहे हैं, आप पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट आ जाए तो उसमें कितना एडजस्ट कर सकता है एक इंसान जो एक ही है। एटलीस्ट दो भाई हैं, दो बहन हैं, भाई बहन हैं, दो हैं एटलीस्ट, तो उसमें ये हो जाएगा चल तू थोड़ा सहारा लगा ले, चल 15 दिन तू देख ले, 20 दिन मैं देख लूँगा, चल मेरे वाली देख लेगी, तेरे वाला देख लेगा, तेरी वाली देख लेगी, कोई तो सिस्टम होगा। एक से भले तो दो हैं ही हर हालत में,
कोई एक विदेशी चला गया, एक ही लड़का एक ही लड़की, किसी कारण उसकी अब शादी का सिस्टम इस तरह हुआ कि वो दूर ही चले गए। तो प्रैक्टिकलिटी में हर हिसाब से देख लो, दो करना इज़ वेरी ओके थिंग। प्लस कोई मेडिकल कारण से नहीं हो पा रहा इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। पर वो मेडिकल कारण भी एक तरह से अपने हाथ में ही है, इन्वेंट करे जाते हैं, ठीक है, कि बस हो गया मेरा मेडिकल कारण। बिकॉज इफ़ यू मैरी एट द करेक्ट टाइम इन अ यंग एज एंड इफ़ यू कंसीव इन अ यंग एज, ऑब्वियसली यू कैन ईजिली हैव टू। एंड लेडीज़ को मैं बताऊँगा, जो मैं उनको नौकरी वाले में भी गाइडेंस देता हूँ, कि अपने शादी टाइम पे, बच्चे टाइम पे कर लो, उसके बाद 50 साल नौकरी करो, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, नाइका लॉन्च करो, 50-55 साल की उम्र में भी आप 1,00,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हो सकते हैं, इवन इफ़ यू स्टार्ट लेट। तो कोई कहीं स्काई इज द लिमिट, ये बच्चे इम्पेडिमेंट नहीं है, उन्हीं के फामोली नायर जी के ही बच्चे संभाल रहे हैं हम कंपनी, उनके भी दो बच्चे हैं एंड शी इज़ अचीव्ड एवरीथिंग। ये कहीं नहीं लिखा कि नहीं नौकरी करूँगी तो बस एक ही करना है। तो ये वाला मेरा कैसा लगा आप लोगों को बताएं। इस तरह के सब्जेक्ट्स और भी बहुत हैं, फैमिली प्लानिंग को लेके भी एक है, ठीक है, क्या उसके इश्यूज़ हैं। आप चाहते हो कि इस तरह के टॉपिक्स लाऊं, समाज में ये बातों का करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली ग्रुप पे शेयर करिए। एंड जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, प्लीज़ बी ऑफ सपोर्ट टू योर किड्स सो दैट दे ऑल्सो हैव देयर टू लाइक यू हैड योर टू। सो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप बच्चे पैदा कर रहे थे, समाज में इतने प्रेशर्स नहीं थे, इतना स्ट्रेस फैक्टर्स नहीं थे, वो आपकी जो मैं इक्वेशन ऑफ लाइफ भी बताऊंगा वीडियो में, वो इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं थी जितनी आज के दिन होगी है। प्लीज़ बी ऑफ हेल्प टू योर किड्स एंड किड्स प्लीज़ मैरी इन टाइम सो दैट 60-65 साल की तो माँ मदद कर देती है, 70-75 वाली के तो अपने खुद के इश्यूज हैं। तो इफ़ यू मैरी वेल इन टाइम तो देन योर मदर और मदर इन लॉ इज़ लाइकली टू बी इन 50s और मे बी अर्ली 60s to be of help. If you delay everything, then everything gets delayed. My recommendation is two kids. Now I want to ask the audience, do you agree two kids? So please comment section mein two kids likhna. If you want to say nahi one, to one likhna. पर्सनल चॉइस, आई डोंट थिंक सो इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट इज़ अ सेल्फिश चॉइस। जो हस्बैंड भी एग्री कर जाता है बिकॉज उसको लगता है चल यार ये मेरे ऊपर भी क्लेश आएगा, मेरी नौकरी पे भी आएगा। तो हस्बैंड्स ऑल्सो आर अ बिग रीज़न व्हाई वाइफ समटाइम्स आर गोइंग फॉर वन किड ओनली। इन सम केसेज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द मैरिज इट सेल्फ इज़ सो अनस्टेबल, वो लेडी दूसरा बच्चा उस इंसान के साथ करना भी नहीं चाहती, ये भी एक अनफॉर्चुनेट रीज़न है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल होगी तो यू विल हैव सेकेंड किड। हालांकि कई लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि दूसरा कर लो तो अपने आप स्टेबल भी हो जाती है, मेरी ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं है, ठीक है, मैं इस पे ऐसे नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन इट इज़ इन हस्बैंड्स हैंड्स ऑल्सो whether the wife will have, you have to give the confidence to the wife कि yes, I will contribute, I will help, I will help you get through that pregnancy, post delivery and raising the kid. And the wife also sees कि first kid के साथ husband का कैसा था, अगर उसको लगता है कि husband involved था तो she normally cases में she goes for the second one, उतना issue नहीं होता। but हर level पर अगर bitterness लेकर मिलती है lady को then she is not incentivized, वो कहती है कि यार बस हो गया मेरा, मैं नहीं करती। do you agree with this such thing? please like करना, share करना and comment करना, thank you।